चले ला ये दे, ये ले बेटा, ये ले इसे दूध में मिला के पी लेना, तेरा काम बिल्कुल फिट। और ये ले बाबा, तू इसे पी लेना और तेरे फूल खूब होएंगे खेत में। हाँ ठीक है, चल निकलो, चलो ओड़ो, जाओ निकलो और ग्राहक आने दो। जूते तो ठाक ले जा अपना, निकल सहान, जल्दी निकल निकल, ठाक ले जा। अरे से कुछ दिया ही नहीं ना, अरे काम होएगा, सेट जैसे होएगा देखा जाएगा। हाँ हाँ जी बाबा, मेरा भी दुख काट दो, मुझे भी दवाई दे दो, मेरे लिए भी कुछ करो। तो तुम्हें भी दुख कटवाना है? हाँ तो बैठो, हम सब काटेंगे, क्यों चले। हाँ सबका दुख काटते हैं हम, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बहुत दुखी? हाँ। है क्या कष्ट है? चले जी गुरुजी, इनकी बीमारी कागज पे लिखो। ठीक है गुरुजी, बोलिए जी क्या बीमारी है? पेट में दर्द है। अच्छा। और खांसी भी आती है। अच्छा। भूख भी नहीं लगती। अच्छा जी। और गैस सी बनती है। अच्छा जी। और चलते हुए चक्कर भी आते हैं। गुरुजी ये तो डॉक्टरी इलाज है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसे वापस भेज दो। क्या हम सब इलाज करते हैं, हमारे पास से कोई बिना इलाज के नहीं जाता। आराम से बैठो, हम आपकी नब्ज देख के पूरा इलाज बता देंगे, पूरी बीमारी बता देंगे। आओ कलाई दो। ये लो। तुम्हारे बहुत भयंकर बीमारी है, तुम्हारे गुर्दे फेल है, तुम्हारी किडनी भी फेल है, तुम्हारा लीवर फेल है, तुम्हारा पखाना सड़ा, तुम्हारी आंतें फेल है, तुम्हारा सब सिस्टम फेल है। आप ठीक कह रहे हो बाबा, आप बाबा हो या डॉक्टर हो? हम वही हैं। वो कौन? जो तुम्हें बतला रहे हैं तुम्हारा इलाज, मगर 50,000 रुपए खर्च होने हैं। हैं? 50? बाबा मेरे अब्बू तो गरीब हैं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। मरने की जरूरत नहीं है। मरना तो पड़ेगा, मेरे अब्बू के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी जान बचा लें। तुम ऐसे आदमी से शादी कर लो, तुम्हारा इलाज भी हो जाए और पैसे भी खर्च ना करने पड़े। मुझसे शादी कौन करेगा? शादी तो हमें भी करनी है, मगर तुम हमसे शादी करोगी नहीं। शादी इसी से कर लेती हूँ, मेरा इलाज तो करा ही देगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक तो हो जाऊंगी बाबा। हाथी वाले बाबा पे विश्वास करो। मैं तैयार हूँ बाबा, इलाज करो। ये लोग गोली सुबह शाम खाओ। ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ, लेकिन 2 दिन में शादी होनी चाहिए। बाबा बाबा, अब मैं 2 दिन ठीक तो रहूंगी, आराम कर लूं? हाँ आराम कर लो, अगर हो सके तो 2 दिन में शादी कर लियो। ठीक है बाबा, मैं चलूं? जाओ ठीक है, नमस्ते। निकलो। चले जी गुरु जी। आजा चले, तू नाराज हो गया? मैं नाराज नहीं हूँ गुरु जी। साला ढोंग विद्या को देख लेगा। शादी भी तो करनी है ही, किसी और से नहीं बाबा से कर लेती हूँ। हाँ जी बोलो। ज्यादा परेशान सी लग रही है कुछ। बात क्या होती जी, मेरी तो जिंदगी खराब है, आने की देर नहीं हुई, ऊपर वाले का फरमान पहले आ गया, मुझे तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, रो मत रो, चुप चुप बताओ बताओ क्या बात होगी। तीजी मैं बाबा के पास गई थी, बाबा ने मेरा इलाज किया, बाबा ने बताया मेरी किडनी भी फेल, मेरी आंतें भी फेल और मेरा गुर्दे भी फेल है। एक बात बताओ, तुम्हें चेकअप कराया कहीं? नहीं।
है? बाबा ने कहा चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, ये दवाई दी है, कहा और अगर मुझसे 2 दिन में शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। अच्छा, और खर्च कितना बताया? बाबा बोले 50,000 रुपए खर्चा होगा, या मुझसे शादी कर ले, मैं उठा लूंगा खर्चा। फिर तुमने क्या कहा? कहती क्या, मैं तो कह आई कर लूंगी। क्या अब तुम ही बताओ, मेरी अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, और अगर ये बात मैं अब्बू को बताऊंगी तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं हाँ करी आई। यानी के तू उस बाबा से शादी करेगी इलाज के चक्कर में? तो और क्या करूं? उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, हमसे करो शादी। मगर इलाज? हम करेंगे इलाज में पैसा खर्च जितना भी होगा, मेरे साथ चलो नर्सिंग होम में तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। सच्ची शेख जी? बिल्कुल सच है शेख जी, तो मैं उस बाबा से शादी क्यों करूं? चलो मैं तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। चलो भाला। अरे बेटा सलमान, क्या बात है बेटा? अरे क्या बताऊं बेटा, कल मैंने उसे धमका दिया था और वो कल से ही घर नहीं आया। अरे तुझे कहीं मिले दिखाई दे तो बेटा उसे घर ले आना। ठीक है भाला, मुझे कहीं मिला तो मैं भी लेके आऊंगा उसको। ठीक है अबू। अबू कहाँ चले गए? अबू यहीं हूँ बेटा। एक बात बता बेटा, बाबा की बात सही है या डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? अबू अगर डॉक्टर की बात सच निकली तो? अगर डॉक्टर की रिपोर्ट सही हुई तो उस बाबा की शादी तो मैं अच्छे ढंग से कराऊंगा। तू मुझे यूं बता, रिपोर्ट कब मिलेगी? आज ही मिलेगी अबू। और वो जो पैसे खर्च हो रहे नर्सिंग होम में, वो कौन लगा रहा बेटा? अबू वो किनापुर का शेख चिली है, कह रहा था पैसे मैं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू दवाई करा, तू बिल्कुल ठीक हो जा। रोजान तुझे पता कल हम चेकअप के लिए दे गए ना, ठीक रहे, अब रिपोर्ट बना दी होगी डॉक्टर ने। हमारे क्षेत्र का गोपाल नर्सिंग होम सबसे बढ़िया नर्सिंग होम है, रिपोर्ट तैयार कर ली होगी डॉक्टर ने, बड़ा डॉक्टर है। आजा आजा आजा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते, आइए। डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट आ गई हमारी? आ गई जी आ गई। लीवर भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, गैस की थोड़ी परेशानी है, दूर हो जाएगी। मैं दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब ये दवाई दी थी बाबा ने, दो। बाबा ने दी दवाई? बाबा ने दी दवाई है? अच्छा बस, ये तो भैंसों की दवाई है। भैंसों की? भैंस की? भैंसे की? भैंस की। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप स्टोर से ले लेना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगी। कितने पैसे होंगे तुम्हारे? 500 रुपए हो गए। 500 रुपए? ये लो 500 रुपए। चल रुक जाना, अगर तुम रिपोर्ट ले जाने चाहो तो ले जा सकते हो। हम क्या करेंगे इसका, जब सब कुछ ठीक है तो तुम जेल ही जा दो। नमस्ते डॉक्टर साहब। और रुक जाना, देखा बाबा ने कैसा भगाया तुझे, कुछ भी नहीं है तेरे, सब ठीक है। तो आ जल्दी आ जा, आ जा। देखो रोजाना बाबा ने क्या बताया तुझे। हाँ शेख जी, वो बाबा तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था और मुझे भैंस की दवाई दे दी। हैं? मैं अब्बू को फोन लगा के कह दूं। फोन मिला? फोन मिला के बात कर। अब किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो अब्बू, मैं ठीक हूँ। वो बाबा तो बिल्कुल बदतमीज है, उसने तो मेरा पागल बना दिया। ठीक है बेटा, उसे घर बुला के उसका इलाज करता हूँ। अबू सारा खर्च शेख चिल्ली ने उठाया इलाज का। ठीक है बेटा, मैं उससे ही शादी कर दूंगा तेरी। अबू जैसा तुम ठीक समझो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा घर पे इलाज के बहाने। ठीक है। निकाल दो गुरुजी, परेशान हो गए।
चेले। जी गुरुजी। मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा सूट सिलवाऊंगा। आज तक तो कुछ दिलाया नहीं। अब एक बार सुन, शादी हो जाने एक बार फिर देख मेरी मेहरबानी। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ओए चेले फोन आ गया। हेलो हेलो, कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ, रुखसाना का अब्बू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं यूँ कह रहा था, रुखसाना की शादी का दिन पक्का करना था, वो कब करें? जब आप चाहो। ठीक है, तो पहले मेरा इलाज करो, जब करवाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पता बताओ। ठीक है, पाभी गांव आके किसी से भी रुखसाना का घर पूछ लेना। ठीक है बेटा, आ जा, मैं करवाऊंगा तेरी रुखसाना से शादी। ये सही काम बना जी। चले ऐसा करो, आज तुम जहां से फोन आया नी, वहां जाके ये दवाई दियाओ। जाओ जाओ। है गुरुजी आज मुझसे प्यार से बोल रहे और तुम करके बोल रहे हैं? क्या सोच रहे हो बच्चा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है मगर एक बात सुनो, शादी की पक्की बात करके जवाना है। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। मैं जा रही हूं। जाओ बेटा। ठीक है, ये तो मजा आ गया। हाथी वाले बाबा की जय। हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। यही है रुखसाना जी, रुखसाना जी। शेख जी तो आ जाओ। तुम्हें पता शेख जी, अब्बू ने ना बाबा को बुला रखा इलाज के बहाने से। ठीक है, मम्मी देख दे। अब्बू तो पूरा इंतजाम करे बैठे हैं। ठीक है चलो चलो। अब्बू देखो कौन आया है। कौन है बेटी? है वही अब्बू, वही वही शेख जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा तुमने तो मेरी बेटी की वो मदद की है जो कि अपना भी नहीं कर सकता। अजी अजी, ये तो मेरा लक्ष्य था। क्या? मेरा फर्ज था इंसानियत का, फर्ज था मेरा तो। अच्छा अच्छा, फर्ज था। अरे बेटा आप कुछ खाने के लिए ले आए इसके लिए। हाथी वाले बाबा की जय हो, हाथी वाले बाबा की जय हो। बताओ कौन बीमार है? बीमार है मेरे अब्बू, और तुम तो बाबा नहीं हो, तुम तो अम्मा हो। वो मेरे गुरुजी है, मैं उनकी चेली हूँ। हाथी वाले बाबा की जय हो। ओहो तुम उसकी चेली हो। हाँ जी, ये लो दवाई, बाबा जी ने भेजी है, खाओगे ठीक हो जाओगे, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस लड़की की शादी गुरुजी से 2 दिन में करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। वो कैसे बाबा? किडनी फेल, गुर्दे फेल, आते फेल। अगर इस लड़की की 2 दिन में शादी करो तो दवाई ले लो, नहीं तो मैं चली। दवाई? मुझे तो वो बाबा चाहिए। रुखसाना पकड़िए इस बाबा की चेली को। ठीक है अब्बू। मार घुसन डिस्क है। इधर आ इधर आ। नहीं तू बड़ी नाम पर नहीं मत रिक नहीं ये ले ये ले। अम्मा बनेगी, बाबा अम्मा बन के हमारा पागल बनाओगे। ये ले ये ले, सनम को पागल बनाओगे। ये ले और ले अब्बू, और मारो बा, छोड़ दो बा, छोड़ दो। इधर क्यों मार रहे हो मासूम को बेचारी को? ये ले छोड़ दो, बनेगी अम्मा अम्मा बाबा बताएगी बाबा कर रही है। मुझे माफ कर दो, मैं तो बाबा की सेवक हूं। सेवक है तू बाबा की? अभी बाबा की सेवा करते हैं क्यों शेख जी? तू चल तू चल, मैं आ रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब हमारे हमारे चलो हमारे चलो चलो सब चलो चलो अब्बू। अरे शेख चिल्ली बेटा, क्या बात हो गई? और ये कौन है? ये अम्मी रुखसाना का अब्बू है, तुझे सारी बता दूंगा। कुछ नहीं कुछ नहीं, चल 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 घर। बाबा कहीं गए हैं? बाबा कहीं गए होंगे। ठीक है तुम यहीं खड़े हो, मैं इससे पीछे बात करता हूँ।
चेले तू मुझे माफ कर दे, मैं तो रुखसाना को पाने के लिए ये सब कुछ करता था। तू कुछ मत बोलियो, तू मुझे बचा ले, मैं तुझे बचा लूंगा। शेख जी, मैं तो तुम्हें पहले से जानती थी। क्या जानती थी? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल, कुछ मत बोलियो, चाहे कुछ भी हो जाए। बनाता हूँ तरकीब, तुझे बचाता हूँ, मैं बचूंगा। देखो वो बाबा तो इलाका छोड़कर भाग गया और ये पर्चा दे गया, इसमें लिख रहा है कि मेरी चेली को माफ कर देना और रुखसाना की शादी शेख चिल्ली से कर दे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम भी तैयार हैं। देखा अम्मी, ये वही है, वो पहचान, वो ये इसके अब्बू है। जान गई बेटा जान गई, अब मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं।